आज मैं बना रही हूँ कि जो है आलू और चिकन के जो है ना कबाब बन रहे हैं आज किचन में। और जो है साथ ही रहेगा, और जो न्यू है वीडियो पे तो सब्सक्राइब करेगा। तो यहाँ जो है ना मैंने मैश कर लिए थे आलू, मैं 3 से 4 अदद मैंने आलू ले लिए थे, क्योंकि थोड़े सी आपको पता छोटी सी फैमिली है हमारी, तो इसमें डालेंगे स्पाइस। और जो है ना ये मैंने एक आलू जो है ना अरहम के लिए रखा हुआ, थोड़ा ठंडा होता है ना, फिर मैं अरहम को दूँगी। बच्चों को जो है ना आलू बहुत पसंद होते हैं और मैं तो देती हूँ अरहम को। तो यहाँ डालते हैं मसाले। तो जी गाइस, यहाँ जो है ना मैंने चॉप अदरक ले ली थी, और जो ना बिल्कुल कुतरी हुई जो ऐसे होती है ना वो ले ली थी, और यहाँ जो मैंने हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 2 अदद, और साथ में नमक डाला है। अभी हम डालते हैं मसाले। तो मसालों में हमें सिर्फ 2-3 चीज़ें ही डालनी है। और मैं डालती हूँ कुटी मिर्चें, बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे, और लाल मिर्ची बिल्कुल ज़रा सी मैं डालूंगी, क्योंकि हरी मिर्ची डाली है वो थोड़ा सा डाल देंगे इसमें गरम मसाला। अब इसको मैश करके जो है ना कबाब बना लूँगी। और जी गाइस, ये देखें मैंने आज थोड़ी सी सेटिंग करी है, क्योंकि आपको पता है रमज़ान आ रहे हैं ना, तो इससे पहले कि मैंने ना यहाँ पेपर वगैरह बिछा दिया, और तो पेपर मुझे कुछ मिली नहीं, मतलब अरहम उज़ाफ़ा लेकर आया था ये ना मार्कर से बनाने के लिए, तो मैंने यही बना दिया। तो बाकी देखिए मेरे डब्बे वब्बे कितने साफ़ सुथरे हुए हैं, मैंने धो लिए थे सारे डब्बे, ये देखिए। बाकी छोटा सा हमारा किचन है, और यहाँ मैंने स्पाइस डाल दिया। अब इसको बंद करती हूँ और साथ बनाती हूँ मैं कबाब। तो जी गाइस, हरा धनिया रह गया, तो मैंने हरा धनिया भी डाले। अब करते हैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स। तो जी गाइस, मैंने जो है ना कबाब बना के रख दिए थे, तो साथ ही साथ जल्दी जल्दी से मैंने आटा गूंद लिया। तो गाइस ये देखें आटा किसमें गूना मैंने, ये देखिए मैं ना पतीली में ही आटा गूंदती हूँ, और यानी कि सब लोग जो है ना तसले में गूंदते होंगे, तो मैं गूंदती हूँ पतीली के अंदर। तो गाइस ये देखिए मैंने कबाब बना के रख गए थे, ऊपर भी रखे हुए, और मैं फ्रिज में से दिखा रही हूँ आपको। फ्रिज खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा चिकन रखा हुआ है, एक आध बोतल है, साफ करूंगी क्योंकि रमजान से पहले पहले करना है। ज्यादा गंदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कर लूंगी। ये देखिए कबाब मेरे, अभी हम फ्राई करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। साथ ही रहेगा लाइक डन करें और कमेंट करें अच्छा सा। अब भी बनाते हैं रोटी जल्दी जल्दी, उसके बाद कबाब फ्राई करेंगे। गाइस आलू के कबाब मेरे बन के रेडी हो चुके हैं, और हम लोग खा रहे हैं खाना। और ये है हमारा रायता, इसमें है हरी मिर्ची पिसी हुई थोड़ी सी, और जो है ना ज़ीरा और नमक, और ये है मज़ेदार से कबाब और साथ में मिर्ची फ्राई। तो हम खाते हैं खाना। जी गाइस, खाना खाने के बाद ना मैंने बोला चलो थोड़ी सी ना गाजरें लेकर आई थी मैं, तकरीबन 1 किलो जितनी ना, तो बगैर मैं ना आज गाजरों का यानी कि क्रश करे हुए बगैर मैंने बनाया है हलवा। देखते हैं जल्दी से बन जाएगा ये थोड़ी देर में, और गैस जाने वाली है, तो क्योंकि 8:30-9 का टाइम हो गया है, 10 बजे गैस चली जाएगी। तो ये देखिए, तो मैंने बस इसको छीला और ना बड़े बड़े से टुकड़े मैंने कर लिए थे, और रोटी पकाने के बाद ना ये देखिए मैं इससे अब मैश कर रही हूँ। जल्दी से डालेंगे इसके अंदर चीनी, तो यहाँ डाली मैंने चीनी। ये देखिए चीनी के साथ हम मिक्स करेंगे, तो गजरेला टाइप का बन रहा है ये, मुझे ना ऐसे ही थोड़ा सा मोटा मोटा ही चाहिए था। इसको थोड़ी सी मैं भुनाई करूँगी, थोड़ा सा घी डाल लें, अगर आपके पास देसी है तो देसी घी डालें, वरना जो है ना अभी इसका ये ज़रा दूध वाला पानी खुशक हो जाए ना, दूध थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा ये। तो गाइस बताइएगा ब्लॉग कैसा बना मेरा, और मैं जो है ना आप लोगों की वीडियो पे थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, क्योंकि जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा यानी कि काम है, आपको पता है रमज़ान आने वाले हैं, ऊपर से मैं एक एक करके जो है ना कभी मैंने पर्दे धो लिए, कभी किचन साफ़ कर लिया। तो इंशाल्लाह आपकी सबकी वीडियो पे ज़रूर आऊँगी मैं, थोड़ा सा लेट हो जाऊँगी लेकिन आऊँगी ज़रूर। तो मैंने बोला चलो ये बात भी बता दूँ आप लोगों को कि
कि आप लोग बोलें कि आप हमारी वीडियो पे नहीं आ रही हैं, तो मैं बस इसी वजह से, तो यहाँ जो है ना मैश कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा और खुशक करती हूँ आँच थोड़ी तेज़ करके, फिर ऑयल डालती हूँ इसके अंदर। सो जी गाइस, यहाँ जो है ना मैंने हलवा बना के तैयार कर लिया, और देखें सिंपल तरीके से ना जो है बनाया है। बस इसको मैं जो है ना मैंने क्रश भी नहीं करा था, बस टुकड़े काट के दूध डाल के चढ़ा दिया, उसके बाद जो है ना घी डाला मैंने और थोड़ा सा खोया डाल के भुनाई कर ली, ऊपर से थोड़ा सा खोया सजा दिया और चीनी भी डाली जितनी आपको ज़रूरत है। तो बस जाती जाती सर्दी का एंड का हलवा तैयार है। जिसने खाना है आ जाए हमारे साथ हलवा खा लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।